अरे मैं तुम लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई, मेरा बेटा तो पूरे इंडिया में टॉप आया है, उसे तो एप्पल की तरफ से जॉब की ऑफर भी आई है। सर्वेंट की जॉब लगी है क्या? जी नहीं, सीईओ की लगी है। मेरे बच्चे तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, जब भी देखो बस पढ़ते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, बाकी पूरे टाइम पढ़ाई करते रहते हैं बस। मैं कहती हूँ बेटा नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आराम कर, लेकिन नहीं, उन्हें तो पढ़ना है। मुझे अपने बच्चों की ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बस मेरे बच्चे को किसी की गंदी नजर ना लगे। यार ये सब तो बातें छोड़, तू मेरे लिए समोसे मंगवा दे पहले। अच्छा रुक जा, भी मंगवा रही हूँ। यार पाव भाजी भी मंगवा ली, मेरा बहुत ज्यादा मन है खाने का, मैं घर से सोच कर आई थी मैं खाऊंगी तेरी। चल ठीक है मंगवा रही हूँ। यार सुन, पकौड़े भी मंगवा ले यार, कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा ले, भुजिया भी मंगवा ले, डोसा इडली राज कचौरी भी मंगवा ले। यार इतना खाती है यार ये। हाँ कितना खाओगी, कुछ खाने की चीजें लाइफ के लिए भी तो छोड़ दो यार। इतनी सी चीजें तो मंगवा रही हूँ मैं। हाँ हाँ दिख रहा है कितनी सी चीजें। पिछली बार मैंने अपने घर पे किड्डी पार्टी रखी थी तो तेरे लिए मैंने कितनी सारी चीजें मंगवाई थी। हाँ चल ठीक है मंगवा दे रही हूँ। ये कौन से ब्रांड की ग्लास है? लोकल ही है तो। छी लोकल, मैं नहीं पी सकती है, मेरी हर चीज ब्रांडेड है। तुझे पता है मेरे ग्लास का ब्रांड भी ना गुची है, गुची कस्टम मेड है वो। मैं सिर्फ ब्रांडेड चीजें ही लेती हूँ, इसलिए तो मेरी मम्मी पापा ने मेरा नाम ज़ारा रखा है, और मैंने अपनी बेटी का नाम गुची रखा है, और बेटे का नाम फरारी। क्या पति का नाम जैगुआर रखा है? नहीं मेरे पति का नाम ऑडी है। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, सरोजनी से कपड़े नहीं लेती, ओरिजिनल पहनती हूँ ब्रांडेड, और मेरे सर्वेंट भी ना H&M के कपड़े पहनते हैं। और तुम लोगों को मेरे घर की झाड़ू का ब्रांड पता है? नहीं बता दो ये भी। मेरे झाड़ू का ब्रांड है शनेल, कस्टम मेड है वो भी। तुम लोगों की तरह फेक चीजें नहीं लेती मैं, बेचारे गरीब लोग। हाँ हाँ हम भी ब्रांडेड ही लेते हैं। हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है। यार तुम लोगों को पता है मेरी जो नंद है ना, वो मुझे बहुत परेशान करती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अरे तुम लोगों को पता है 3 दिन के लिए ना मॉल में सेल है, मैं तो कल जाऊंगी। और पता है मेरे बच्चे को आए दिन नजर लगाती रहती है, बस नजर उसे इतनी ज्यादा हो जाती है मेरे बच्चे को, मैं क्या बताऊँ। मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोलती है, मैं तो कुछ कहती भी नहीं, बस मैं क्या बताऊँ, बस मुझे ही हमेशा सुनाती रहती है। अगर तुझे अपने बच्चे की इतनी टेंशन है तो अपने बच्चे के नजर का टीका लगवा लेना। अच्छा लगवा लूंगी। जब मेरे बच्चे को ये करती थी ना, मैंने अपने बच्चे की नजर का टीका लगवाया था, बिल्कुल नजर नहीं लगती थी उसको। अच्छा अब सारी की सारी बातें छोड़ो और ये बताओ किस किस को दिल्ली की चटपटी खबरें सुननी है? मुझे मुझे तो सुनो, सरिता और उसकी सास में लड़ाई हो गई। और फिर क्या हुआ? और फिर वो घर छोड़कर चली गई सरिता। और शर्मा जी की बेटी का चौथी बार रिश्ता ढूंढ गया। बेचारे लोग, मुझे तो बहुत बुरा लगा उनके लिए। पर मैं क्या करूं, मुझे तो हंसी आ जा रही है, रुक ही नहीं रही। और वर्मा जी की बेटी पूरे दिन YouTube पे वीडियो डालती रहती है भैया, बिल्कुल ही नहीं पढ़ती। अच्छा पता नहीं भाई माँ बाप कैसे हैं, अपने बच्चे को कुछ बोलते ही नहीं है। हमारे बच्चे तो भाई ये सब कुछ नहीं करते, उनके अंदर तो पढ़ाई का टैलेंट है। और पता है विमला ने 2 करोड़ का फ्लैट दिया, 2 करोड़। मुझे तो पता भी नहीं है, किसी को नहीं बताया उसने। हाँ मुझे भी नहीं बताया। मुझे तो पता भी नहीं उसके पास 2 करोड़ रुपए है, पता नहीं भाई कहाँ से कमा रही है ये। और कुछ बताया, और कोई न्यूज है? कौन सी थी वो न्यूज यार, बस मुझे इतनी पता थी तो मैंने आप लोगों को बता दी, अगर और पता चलेगी तो नेक्स्ट किटी पार्टी में जरूर बताऊंगी। ओके मेरा तो काम ही है ये। तू तो एक काम कर, अपना न्यूज चैनल खोल ले। यार तेरे घर का एसी काम भी कर रहा, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, कुछ कर। चल छोड़ इस बात को, तेरी सिस्टर की बेटी की शादी कब हो रही है? OMG इतनी गंदी स्मेल आ रही है, कैसी स्मेल है यहाँ पर यार? मुझे तो नहीं आ रही। ठीक है सुन, आ रही है। और तेरी सास का हाल क्या है? सब ठीक है, परेशान तो नहीं कर रही? उफ यार तेरा कितना घर में डस्ट है, सफाई नहीं होती क्या यार? एक तो दिल्ली में इतनी गर्मी है यार, और ऊपर से बारिश नहीं हो रही, तो देख सकती है मेरा पसीना देखूं मैं। अरे तुझे इतना डार्क सर्कल्स क्यों है, तू सोती नहीं है? सोती हूँ। तो ये कैसे हो गए? मुझे तो लगता है तू सोती नहीं है। नहीं मैं सोती हूँ। हेलो।
माय गॉड, रात के 2 बज गए। अच्छा भी आ रही हूँ मैं, बस अभी आ रही हूँ। हमें तो पता ही नहीं चला बातें करते करते। हाँ चलो चलो यार, सब चलते हैं, घर पे सब बुला रहे हैं। हाँ हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी क्लिक कर दिएगा, जब भी हमारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और इस वीडियो पर हम एम करते हैं 50,000 लाइक्स, तो जल्दी से आप लोग लाइक के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपने लाइक करा है इस वीडियो को, ताकि मुझे ही पता चले कि आप मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स में से कौन है जो इस वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो अब हम दोनों मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।